भिंड जिले की रामपुरा पंचायत के सचिव को भ्रष्टाचार के मामले और पंचायत निर्वाचन में अंतिम दिनांक तक पंचों को एनओसी न देने पर कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ग्रामीणों ने भिंड कलेक्टर को 20 दिसंबर को रामपुरा में पदस्थ सचिव ब्रजराज सिंह चौहान द्वारा व्यवहार अच्छा न होने और ग्राम पंचायत में शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में ग्रामवासियों से रुपए लेकर काम करने के आरोप लगाए गए थे। सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। भिंड कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिंड के द्वारा शिकायत की जांच की गई, जिसमें सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता होना और पंचायत उपचुनाव में पंचों को एनओसी न देने जैसे गंभीर मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रामपुरा जो जनपद पंचायत भिंड में आती है उसके सचिव के विषय में बहुत लंबे समय से मित्रता की शिकायत मिल रही थी। परसों भी करीब 15 से 20 ग्रामीणजन उसकी शिकायत लेकर के कलेक्टर महोदय के चैम्बर में आए थे, जहां मैं भी बैठा था। तब समय ही कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि इसका तत्काल परीक्षण कराया जाए। हमने जिला स्तर से एक टीम वहाँ भेजी थी और जिसने पाया कि वास्तव में सरपंच के सचिव के द्वारा लोगों को बहुत परेशान किया गया है और जो कार्य उसके द्वारा कराए गए हैं उसमें कुछ वित्तीय अनियमितता की गई है। उसके द्वारा जो कार्य कराए गए उनके लिए प्रत्यक्ष एक जांच टीम सीओ जनपद के नेतृत्व में बनाई गई है।